हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली इमरान खान पर बरस पड़े, कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख देने से इनकार की बात सरासर गलत है। खत में वाज़े लिखा था कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन ज़रूर होंगे लेकिन पहले रियासत को देखना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की झूठ की सियासत के खात्मे का वक्त आ गया। हर आंख अश्कबार है, दिल खून के आंसू रो रहा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हाई कोर्ट में हम रिट करते हैं, आप इलेक्शन की तारीख दे दे। हमने कंधा जनाजे को दिए है, वो कहते हैं इलेक्शन की तारीख दे दे। इलेक्शन होंगे और मजीद भी होंगे लेकिन इस वक्त ज़रूरत जिस चीज़ की है, मैं आपको कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि रियासत खतरे में है। नाम लेके मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूँ आपकी वसात से कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ख़त लिखा कि इलेक्शन नहीं हो सकती, झूठ की सियासत का खात्मा आ गया। कल की उनकी स्पीच निकाले, मेरा ख़त निकाले, मैंने उनको ख़त में लिखा वाजे कि आप इलेक्शन कराएं।